सीबीआई की टीम कल सुबह से लेकर देर रात तक इस मामले की तफ्तीश करती रही। सोमवार की रात भी सीबीआई की एक टीम मठ में ही मौजूद रही। नरेंद्र गिरी के सेवादारों से पूछताछ और उनके बयान दर्ज करने के बाद शाम को मठ का निरीक्षण किया गया। इसके बाद नीचे बरामद आदि के हिस्से को भी सील कर दिया गया। अब वहां पर किसी के भी प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। इससे पहले नरेंद्र गिरी के 3 कमरों को सील कर दिया गया था। अब जरूरत के अनुसार सीबीआई इन सील कमरों में छानबीन भी करेगी। सीबीआई ने पूछताछ का तरीका थोड़ा बदल दिया। मठ में महंत नरेंद्र गिरी के करीबी सेवादारों के अलावा वहां पर सक्रिय रहने वाले शिष्यों को भी बुलाकर पूछताछ की। बताया जा रहा है कि देर रात तक चली इस पूछताछ में करीब 15 सेवादारों से जानकारी ली गई। एक एक सेवादारों से 2-2 घंटे तक पूछताछ चली। SIT और CBI की जांच में अंतर दिखने लगा है। महंत नरेंद्र गिरी की मौत के बाद माला समेत अन्य सामान गायब थे। ये पता नहीं चल रहा था कि सामान कहाँ है, किसी ने चोरी कर लिया, ये भी आरोप लगने थे। ऐसे में कई तरह के सवाल उठाने शुरू हो गए थे, क्योंकि बाजू अनंत को वो कभी भी नहीं उतारते थे। निरंजनी अखाड़े के सचिव रविंद्र पुरी ने बताया कि महंत नरेंद्र गिरी हाथ में बाजू अनंत पहनते थे। इसे साल भर में सिर्फ एक ही बार निकाला और पहना जाता है। इसी तरह उनके गले से माला, चेन और अंगूठी भी नहीं निकलती थी। जांच हो रही है, सबको पूछा जा रहा है, इंक्वायरी हो रही है। अभी 1-2 दिन के बाद ही अगले विषय पे चर्चा हो सकती है। अभी सभी लोग जितने भी हमें अभी सभी लोग जो है CBI टीम आई हुई है, जांच हो रही है, सबसे पूछा जा रहा है क्या हुआ है, आत्महत्या जो है क्यों हुई है, ये बातें हो रही है। अभी ये 1-2 दिन के बाद मैं आपको बताऊंगा कि हाँ हमसे भी पूछताछ सबसे बातचीत जो टीम आई है उनका पूरा सहयोग करना, जो भी इंक्वायरी हो रही है उस इंक्वायरी में सब लोग जो है यहाँ बैठे, पूरा हमारे जितने महात्मा सब यहाँ है गद्दी के अंदर है, सबसे जांच पड़ताल हो रही है, स्टाफ से हो रही है, उसके बाद हम बता देंगे। मठ का संचालन कौन कर रहा है? अभी मठ का संचालन जो है जो भी लोग पहले यहाँ थे वो सब लोग यहाँ पे ही है। खर्च कहाँ से चल रहा है, जो कि काफी खर्च होता है मठ का? देखिए इतना कोई खर्चा नहीं होता है, दाल रोटी में कोई खर्चा नहीं होता है। कौन सा यहाँ खर्चा, दाल भात में क्या खर्चा लगता है, खर्चा कोई दिक्कत नहीं। CBI की जांच संतुष्ट है अभी तक? देखिए CBI की जांच से पूरी दुनिया, पूरा भारत जो है अंतिम CBI जांच होती है। CBI जांच में सभी लोग संतुष्ट होते हैं, उसमें कोई संदेह वाली बात ही नहीं, और CBI के आगे कोई जांच होती नहीं है। और हमें जो है बहुत अच्छा हुआ कि हमें जो CBI की जांच मिली है, और इससे जो है पूरे जो बीच में जिनको संदेह हुआ था वो सब समाप्त हो जाएगा। बीते 20 सितंबर को महंत नरेंद्र गिरी ने अपने कमरे में इन सभी सामानों को सुरक्षित रख दिया था। इसके बाद अतिथि कक्ष में वो रहस्यमय स्थिति में मृत पाए गए थे। CBI ने रविवार और सोमवार को महंत के 3 कमरों की CBI ने पड़ताल की और उनके कमरे में महंत नरेंद्र गिरी के ये सारे सामान मिल गए। इस चैनल को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।